हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको पता चल गया होगा कि ये ब्लॉग किसके बारे में है, आप कैप्शन से पता चल गया होगा। तो हाँ, ये वीडियो के लिए मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी एंड ये मेरे आई सर्जरी के बारे में। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरी आई सर्जरी होने वाली है, तो हो चुकी है और बहुत टाइम हो गया, बट मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज मेरा बर्थडे आया था, फिर करण का बर्थडे था, फिर वैलेंटाइन डे, फिर एक्स वाई जेड, क्या 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 आ रहे थे। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिला वीडियो बनाने के लिए। और आप देख सकते हो मैंने चश्मा नहीं पहना और मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, और ये भी नहीं कि मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहना है तो इसलिए दिखाई दे रहा है, मुझे लिटरली अपने आँख से दिखाई दे रहा है। एक तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी वहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर अलाउड तो वैसे आई डोंट नो अलाउड था नहीं था, पर लाइक काइंड ऑफ लाइक अनकम्फर्टेबल था थोड़ा सा कि रिकॉर्डिंग करो, बिकॉज जिस दिन मेरा सर्जरी था उस दिन बहुत सारे लोगों का भी सर्जरी था, तो वहाँ पर बार बार अंदर बाहर हो रहा था। तो मेरे जैसे कि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स डाला है अभी आप देख सकते हो इसी वीडियो पर, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। 9 तारीख को मेरा आई सर्जरी हुआ था और आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज 26 डेट है और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ ये आई सर्जरी करा के, कि अच्छा हुआ मैंने करा लिया। आपको भी आई सर्जरी कराना और आप लाइक डरते हो तो लाइक यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि इतना कुछ लाइक वो नहीं होता है कि एकदम ऑपरेशन वैसे ऐसे डरावना तो क्या, मतलब इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता, शॉर्ट प्रोसेस होता है, हार्डली आई से लाइक 10 मिनट्स का प्रोसेस होता है। और वो लोग 10 मिनट्स में आप लाइक आपका आइज हो गया और आपको बोलते हैं कि जाओ। उस दिन मैं सर्जरी के दिन गई थी तो उस दिन मेरा दोबारा से उन लोगों ने टेस्ट किया, आई टेस्ट किया, और उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। तो पहले उन लोगों ने क्या किया, मेरा आइस को कुछ ड्रॉप्स वगैरह डाले ताकि मेरा आइस थोड़ा स्टेबल हो जाए, एंड उसके बाद उन लोगों ने सर्जरी हुई, ऑपरेट किया, और विद इन 10 मिनट्स मेरा सर्जरी हो गया था। और उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि घर जाओ और रेस्ट करो, और आइस जो दिन होता है जो आप लाइक ऑपरेशन करते हो उस दिन में आपको बोलेंगे तो लाइक आइज़ क्लोज करके रखना जितना हो सके, बिकॉज आइज़ में ये बाहर का पॉल्यूशन वगैरह, हवा वगैरह, पानी वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है। एंड देन आपको कुछ किट्स वगैरह देंगे ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करने के लिए, जो आपको लाइक बहुत स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि लाइक फॉलो करना है। फर्स्ट डे जैसे कि मैं आई थी तो हम कैब से आए थे, करण लेके आया था मुझे। तो फर्स्ट डे का मेरा एक्सपीरियंस था कि बहुत मुश्किल हो रहा था आईज़ ओपन करने के लिए भी। लिटरली मैं जब कैब में बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि घर ही नहीं पहुंच रहे, इतना लंबा लग रहा था घर भी मुझे, क्योंकि एक तो मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा था उसकी वजह से, और आईज़ ओपन करने से थोड़ा जलन सा हो रहा था मुझे, और थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा हो रहा था, ऐसा लग रहा था आईज़ में कुछ ऐसे चुभ रही है। बट फिर मैं पूरे कैब में आग बंद करके आई थी और सो गई थी, और डॉक्टर ने भी बोला था घर जाते हुए ड्रॉप्स यूज़ करना every 2 hours, और उसके बाद ट्राई टू क्लोज योर आईज एज मच एज यू कैन, और फिर रेस्ट करना, कुछ काम वगैरह मत करना। तो मैं जैसे घर आई थी मैंने 2-2 घंटे का अलार्म रखा और मैं सो गई थी, और क्योंकि आज तो मतलब खुलना एकदम मुश्किल हो रहा था तो वैसे ही मुझे सोना बेस्ट लगा, तो मैं सो रही थी पूरी दिन। और सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे जैसे मैं उठी तो बहुत लाइक बहुत अच्छा फील हुआ, लाइक ऐसा नहीं था कि फर्स्ट डे की तरह एकदम से वो चेंज हो गया कि मतलब नॉर्मल लग रहा है मुझे, आइज़ खोलने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कुछ नहीं होता, बट आइज़ थोड़ा ड्राई फील हो रहा था। और उसके बाद सेकेंड डे में every 4 hours आपको लाइक ड्रॉप यूज़ करना पड़ता है, तो वही अलार्म सेट करके मैं ड्रॉप्स का प्रोसीजर फॉलो किया। उसके बाद जब सोने के लिए वो लोग बोलते हैं कि लाइक जब आप सोते हो तो आँख वाँख आपके उसमें ना जाए, आइज में नहीं जाए, तो आपको एक वो देंगे ग्लास, जो कि ये ग्लास देंगे वो आपको सोने के टाइम यूज़ करने के लिए, ताकि आपका आइज़ आँख में ना जाए, ताकि आपका हाथ आइस पे ना लगे और हाथ रब ना करो आइस में, क्योंकि आइस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस टाइम। तो ये आपको लगा के सोने के लिए बोलेंगे, लाइक एटलीस्ट 7 डेज आपको ये लगा के सोना है, पर मैंने नहीं लगाया
मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि मैंने जब मैं आई थी वहाँ से, मेरा फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी था, तो जब मैं आई थी और मैं सोई थी, जैसे कि मैंने बोला, जब मैं लगा के सोई थी तो ये इतना अनकम्फर्टेबल था, क्योंकि एक तो मेरा फेस छोटा सा था और ये साइड में ना मेरी चुभरी थी, ऐसे करके चुभरी थी यहाँ पर साइड में, तो मैं ऐसे एक साइड ही, मतलब मैं सीधा सो पा रही थी, मैं करवट नहीं ले पा रही थी राइट और लेफ्ट, और उसकी वजह से बहुत अनकम्फर्टेबल और बहुत इससे मुझे पेन हो रहा था। तो ये मैंने यूज़ ही नहीं किया, बस एक बार यूज़ किया तो, और मैंने मेक श्योर किया कि मैं हाथ वगैरह आइस में रब ना करूँ और पानी वानी ऐसा कुछ ना जाए ये। एंड द सेकेंड थिंग इज़, वो लोग आपको बोलेंगे कि इनकेस आप बाहर जाओगे ये वगैरह, तो आपको ग्लासेस यूज़ करना है, सन ग्लासेस, ये वाला सन ग्लासेस यूज़ करना, या फिर एनी काइंड ऑफ लाइक ग्लासेस यूज़ कर लो आप बाहर जाने के टाइम, ताकि डायरेक्ट हवा वगैरह आपकी आइस को कांटेक्ट ना हो पाए और कुछ यू नो रिएक्शन वगैरह ना हो पाए। एंड सर्जरी के नेक्स्ट डे बुलाया था आई चेकअप करने के लिए, तो उस टाइम भी मैंने यही ग्लास पर नहीं गई थी मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आइस बहुत सेंसिटिव हो जाता है उस टाइम, तो उसकी वजह से 3 ड्रॉप्स देंगे आपको बेसिकली। ये 2 आई सर्जरी का मेन इंपॉर्टेंट है ये, और ये वाला जस्ट आपको नॉर्मल ड्राई आइस के लिए, इरिटेशन वगैरह कुछ के लिए, ये नॉर्मली अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये 2 ख़त्म हो गया मेरा। मेरा सर्जरी हो गया और फाइनली मैं देख पा रही हूँ, और मुझे लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाने के टाइम, और वो अब चिंता नहीं होता कि मुझे कब लेंस निकल जाएगा और घर जाके लेंस निकालूँ। लिटरली जब मैं सर्जरी करा के धीरे धीरे मेरा आइस ठीक हो रहा था, मतलब सेकेंड डे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे दिखाई तो दे रहा है, मतलब मुझे यकीन नहीं होता मुझे दिखाई दे रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहना है और इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा था ये कॉन्टैक्ट लेंस निकालना पड़ेगा, बट हाँ, पर ये भी था कि चलो थैंक गॉड मैंने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहना और मेरी आई सर्जरी हो गई है। आपको सेकेंड डे बुलाएंगे चेकअप के लिए सर्जरी के जस्ट नेक्स्ट डे, और उसके बाद फॉलोअप के लिए आपको आफ्टर अ वीक बुलाएंगे आई थिंक, एंड उसके बाद डायरेक्ट आफ्टर अ मंथ। तो मेरा जो है अभी मार्च 5 तारीख को आई चेकअप है अगेन, कि वो लोग देखेंगे कंडीशन कैसा है, कुछ इरिटेशन वगैरह साइड इफेक्ट तो हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके लिए इनकेस आपको इरिटेट फील हुआ कुछ हुआ तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके उनको जा सकते हो, ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो ये मुझे अच्छा लगा ये चीज़। अभी भी मैं अपना फेस ऐसे नॉर्मली वॉश नहीं कर रही हूँ, बिकॉज उन लोगों ने मना किया था, तो आई डोंट नो कब तक करना पड़ेगा एग्जैक्टली, बट मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट अपना अपॉइंटमेंट के बाद पूछूंगी कि मैं अगर नॉर्मली फेस वॉश कर सकती नहीं कर सकती, क्योंकि आईज़ में पानी नहीं जाना है बिल्कुल, इसीलिए तो मैं क्या करती हूँ नॉर्मली अपना फेस वॉश ऐसे करके या फिर कपड़े से मेरा फेस वॉश क्लोथ है उससे मैं वो करती हूँ और आईज़ को बचा के करती हूँ, और पानी बिल्कुल ऐसे नॉर्मली नहीं कर रही हूँ, फेस वॉश नहीं कर रही हूँ, मतलब तो बहुत बचा के कर रही हूँ मैं। और आईज़ में किसी टाइप का प्रेशर नहीं देना आपको, लाइक स्पेशली गर्ल्स जो मेकअप वगैरह लगाती है, जैसे कि मैं भी करती हूँ, मेकअप वगैरह करती हूँ, तो मैं आई मेकअप नहीं करती हूँ, और वैसे नॉर्मली मैं आई मेकअप इतना करती भी नहीं हूँ, बट नॉर्मली मस्कारा वगैरह लगा लेती हूँ, बट वो भी नहीं करती हूँ मैं, कुछ नहीं आई में कुछ नहीं करती हूँ, नो मस्कारा, नो एनी काइंड ऑफ लाइक आई मेकअप्स जो कि आई में थोड़ा सा भी प्रेशर हो, और पानी तो बिल्कुल नहीं, तो ये सब आपको चीज़ ध्यान देना है कुछ टाइम तक, बट बाकी सारा नॉर्मल है एंड ज़्यादा डरने की बात नहीं। वैसे जैसे कि मैं पहले बहुत डरी हुई थी जब मैंने सोचा था कि मैं आई सर्जरी कराऊंगी बैक इन इंडिया, अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने पहली बार सोचा था आई सर्जरी कराऊंगी मैं, एंड तब मैं आई थिंक 22-23 की थी, और मैं एक डॉक्टर के पास जाके मैंने कंसल्टेंट किया था कि मतलब आई सर्जरी में क्या होता है, एंड देन जैसे कि कितने पैसे लगते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है, और तो वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि लाइक आई सर्जरी लाइक थोड़ा कॉस्टली होता है, और तब मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि लाइक एज ऑफ लाइक 25 से या फिर अबव आपको आई सर्जरी के लिए मतलब करा सकते हो, क्योंकि उससे यंग एज करने में थोड़ा बहुत सेंसिटिव होता है, तो उस हिसाब से। तो मैंने तब सोचा था कि तब तो मेरे मतलब पैसा भी नहीं था मेरे पास इतना कराने के लिए, मैंने बस पूछा था, तो मैंने सोचा था कि ठीक है 25, मैं 22-23 तो मैंने सोचा था कि ठीक है 25 तक मतलब मैं वेट कर लेती हूँ, एंड देन मे भी 25 तक पैसे भी हो जाएंगे मेरे पास, तो
हाँ, और मैं सोचा तब तक मैं चश्मा ही लगा लेती हूँ। तो जैसे मैं 25 हो गई और मैंने सही टाइम पे आई सर्जरी करा ली, और जैसे मैंने अभी भी रखा है ये ग्लासेस, अब मैं ये ग्लासेस पहनती हूँ तो मुझे ब्लर दिखाई देता है, ऐसा लाइक मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है। अब मैं निकालती हूँ तो मुझे दिखाई देता है, और मैं लगाती हूँ तो ब्लर दिखाई देता है। मैं क्या करती हूँ, नहाने के टाइम में भी आई लाइक शावर माई बॉडी फर्स्ट एंड फिर उसके बाद आई वॉश माई हेयर। और तो थोड़ा सा वो हो रहा है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट, बिकॉज नॉर्मली हम कभी बाल अलग धो बॉडी अलग मतलब ऐसे करके शावर लेते, तो इट्स फाइन, कम्प्लीटली नॉर्मल। और कुछ भी पूछना हो, अगर आप चश्मा लगाते हो और नहीं भी लगाते हो, कुछ भी पूछना हो तो लाइक आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझे, बिकॉज जब मुझे किसी को पूछना था बैक देन, तो मतलब मेरा इतना वो नहीं था कि मुझे कि मैं किससे पूछूं किसने कराया होगा आई सर्जरी, मतलब मुझे वो राइट पर्सन नहीं मिला था। तो अब मैंने खुद कर लिया है, तो जो चश्मा पहनते हैं किसी को पूछना है कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो मुझे डेफिनेटली, तो मैं आपको ज़रूर कॉमेंट में रिप्लाई दूँगी। एंड अगेन सॉरी, नॉइज बहुत आ रहा है। और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट, टेक केयर, बाय बाय।